What's up guys? I'm Yograj and welcome to Exclusive Yograj. Guys, मैं हूँ अभी हुमायूं टॉम पर, जिसे हम लोग मकबरा भी बोल सकते हैं. आई मीन हुमायूं का मकबरा. सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है हुमायूं का मकबरा, नाई का मकबरा एंड और भी बहुत कुछ है यहाँ पे, नीला गुम्बद. और इसके बाहर भी एक चीज़ है जो मैंने अभी देखी नहीं है कौन सी है, तो वो जो भी है यहाँ पे सब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है. फाइनली हम अंदर आ चुके हैं और अंदर चल के देखते हैं. आगे थॉम्बे हमारे, और चलकर देखते हैं थॉम्बे क्या क्या देखने के लिए मिलता है हम लोगों को. काफ़ी धूप हो रही है यार, और धूप की वजह से चल चल के थोड़ी सी हालत भी ख़राब हो गई है मेरी. बट ठीक है, कोई नहीं, धूप तो है ही, इसका हम कुछ कर तो सकते नहीं. अंदर चलते हैं और अंदर चल कर के देखते हैं क्या क्या मिलता है हम लोगों को देखने के लिए. मेरे बैक साइड में देख सकते हो ये डोर है, आई मीन दरवाज़ा. तो यहाँ से जब एंट्री करके अंदर आएँगे, तो अंदर आने के बाद जो सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा वो ये है. ये झरना है यहाँ पे, और सबसे पहले झरना देखने के लिए मिलेगा यहाँ. झरना के सामने ही है थॉम, काफ़ी बड़ा है. मैं दिखाता हूँ एक बार. तो गाइज, ये है हुमायूं थॉम, और मेरी हालत तो देख ही सकते हो धूप में कैसी हो चुकी है. बट ठीक है, कोई नहीं, चलते हैं इसके अंदर और अंदर चल करके देखते हैं. तो ऊपर चढ़ गया हूँ मैं, और ऊपर चढ़ के ज़रा देखते हैं, और ऊपर जाना पड़ेगा थोड़ा सा. एंड ऊपर चलने के बाद क्या मिलता है देखने के लिए, चल के देखते हैं ज़रा ऊपर. अच्छा, सीढ़ियाँ थोड़ी ऊँची ऊँची बना रखी हैं, जिसकी चढ़ने की वजह से थोड़ी सी तो हालत ख़राब हो ही रही है. बट कोई नहीं. सो गाइज, फाइनली मैं आ गया ऊपर. इसके बाहर ये मकबरे हैं यहाँ पे, जो बाहर की तरफ बनाए हुए हैं. और इसके अंदर भी शायद कुछ इस तरीके का ही मिलेगा देखने के लिए. यहाँ से एंट्री तो हो नहीं रही है, शायद बैक साइड जाना पड़ेगा. एनीवे, बैक साइड चलकर देखते हैं. सो गाइज, आ गया मैं इसके बैक साइड में, और आगे चलते हैं ना, आगे चल करके देखते हैं बैक साइड में क्या क्या है. धूप की वजह से मेरा थोबड़ा एकदम काला हो रहा है. तो यहाँ पर देखने लायक है कुछ नज़ारा. ये मुझे नर्सरी लग रही है, और नीचे काम भी चल रहा है. सामने की तरफ एक और तॉम्ब है जो यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है, बट नीचे चल के देखना पड़ेगा जाके. ये वाला, तो इससे नीचे जाऊँगा जब वहाँ जाके देखूँगा कि वो कौन सा है. फिलहाल पहले इसका एक राउंड लगा लेता हूँ. इसका राउंड लगाने में थोड़ी सी हालत ख़राब हो रही है मेरी. ये देखो, अभी तो इसके अंदर जाना है, एंड अंदर जाने के बाद देखना है कि अंदर है क्या. तो इसका राउंड लगा के मैं इधर आ गया हूँ, और यहाँ से मुझे अंदर जाने का रास्ता दिखाई दे रहा है. तो अंदर चलते हैं, एंड अंदर चल कर देखते हैं क्या है अंदर. तो गाइस, अब बाहर चलते हैं, बाहर चल करके देखते हैं क्या क्या है. ऊपर का तो राउंड ख़त्म हो गया, अब मैं नीचे जा रहा हूँ, एंड नीचे चल करके देखता हूँ क्या मिलता है देखने के लिए हमें. नीचे जाने के लिए रास्ते वैसे इसमें चार हैं. फ्रंट से तो मैं ऊपर आया था, राइट साइड से अब मैं नीचे जा रहा हूँ. तो मैं आ गया गाइस नीचे. गाइस, ये है मकबरे के बैक साइड का एरिया, और यहाँ पर छोटे छोटे कुछ रूम टाइप के बने हुए हैं. मैं दिखाता हूँ आपको किस टाइप के रूम हैं, जैसे कि ये वाले. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं, बट आई डोंट नो ये क्यों बने हुए हैं, क्योंकि जितने भी रूम हैं सभी में ताला लगा हुआ है.
ये देख सकते हो, ये वाला एंड ये वाला, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रूम्स यहाँ पे बने हुए हैं और सभी रूम्स में ताले लगे हुए हैं। तो अंदर तो जा नहीं सकते, बाहर से ही देख के काम चला लेते हैं। तो ये है हुमायूं टॉम्ब और इससे पूरा राउंड लगा के मैं आ चुका हूँ नीचे। यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा तो गाइस ये है नाई का मकबरा, यहाँ पे इसकी डिटेल लिखी हुई है, देख सकते हो। और नाई का मकबरा टॉम्ब, तो ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के देखते हैं क्या है ये। ओके तो गाइस ये भी मकबरा ही है, मैं अंदर जा रहा हूँ। अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो मुझे देखने के लिए मिल रहा है वो ये है, इसे अगर हिंदी में कहें तो ये समाधि है दो लोगों की। बाहर जा रहा हूँ, बाहर जाके देखता हूँ। तो बाहर आ गया मैं और बाहर का जो नज़ारा है वो कुछ इस तरीके का है। नाई का मकबरा और हुमायूं का मकबरा दोनों घूम लिया है। बैक साइड में आप देख सकते हो गाइज, ये है नाई का मकबरा, ये मैंने देख लिया है। एंड गाइज मैं जा रहा हूँ अभी, सामने है मेरे नीला गुंबद। तो गाइज चल करके देखते हैं कि नीला गुंबद जो है वो क्या है और कैसा है। ये है इसका एंट्री गेट नीला गुंबद जाने के लिए। तो मैं जा रहा हूँ अभी इसके अंदर एंड चल करके देखते हैं ज़रा नीला जो गुंबद है वो कैसा है। थोड़ी सी इसकी हालत ख़राब हो रही है और मुझे यहाँ पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सारे के सारे लोग मकबरे हुमायूं का मकबरा ही देख रहे हैं, हुमायूं टॉम्ब, और यहाँ पे तो मुझे कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। एनीवेज शायद ये आधे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज था। मैं एंट्री गेट तक पहुँच गया था एंड एंट्री गेट से रिटर्न आया हूँ इसको देखने के लिए। पहले जो उधर नाई का मकबरा है मुझे लगा शायद वही था, तो मैंने मैप में देखा एंड मैप में देखने के बाद मुझे समझ में आया कि ये इस साइड में है। देन मैं फिर रिटर्न आया इसको देखने के लिए। तो चलता हूँ मैं इसके ऊपर और ज़रा राउंड लगाते हैं इसका एक, देखते हैं कि कैसा है ये। तो गाइज मैं आ चुका हूँ नीला गुंबद और ये जो पड़ता है गाइज ये बिल्कुल लास्ट में है। जब आप आओगे हुमायूं का मकबरा घूम लोगे एंड उसके लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में ये पड़ता है आपका। एंड गाइज इस वाले मकबरे से जब आप इस साइड देखोगे तो आप मेरे बैक साइड में देख सकते हो गाइज, ये है रेलवे स्टेशन और ये शायद निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन है। एक्चुअली मुझे कंफर्म नहीं है कौन सा रेलवे स्टेशन है, बट शायद निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन ही है, उसके आसपास ही तो है ये। बट ठीक है, आगे चलते हैं और आगे चल करके इसका एंट्री गेट देखते हैं, शायद इसमें एंट्री गेट है भी या नहीं है। तो गाइज इसके अंदर जब आप घुसोगे तो आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने के लिए मिलेगा और यहाँ थोड़ी सी आवाज़ भी गूंज रही है मेरी। इसके ऊपर का ये कुछ इस तरीके का नज़ारा है। चलते हैं बाहर और बाहर चल के अभी हमें जाना है नाई मकबरा एंड हुमायूं का मकबरा, और उसके बाद बाहर निकलने के बाद एक और गुंबद था, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, कौन सा था, बाहर चल के देखते हैं कौन सा था। ये था नीला गुंबद जो हम लोगों ने देख लिया है। अब ज़रा चलते हैं उधर की तरफ, उधर मतलब कि बाहर की तरफ। यहाँ से जब बाहर निकल के जाओगे तो पड़ेगा नाई का मकबरा एंड उसके बाद है हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं के मकबरे के बाहर निकलना पड़ेगा ना, तो बाहर निकलेंगे, वहाँ जाने के बाद हमें एक कुछ और भी है देखने लायक, तो वो चल करके देखते हैं कि क्या है। और ये मैं निकल गया नीला गुंबद से बाहर, मुझे इधर कुछ दिखाई दे रहा है बट मुझे पता नहीं है क्या है, तो चल कर ही देख लेते हैं आखिर क्या है। शायद ये मुझे कुआं लग रहा है, देखना पड़ेगा। और सामने तो मुझे कुछ और ही दिखाई दे रहा है, वैसे ये तो कुआं ही है, हाँ कुआं ही है। तो गाइज मेरे बैक साइड में आप लोग ये देख सकते हो, ये वाइट छोटा सा जो घर टाइप का बना हुआ है ये मकबरे के जस्ट बिल्कुल सामने है, और इसको बोलते हैं बड़ा द्वारी, जो कि इस पर लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है वो तो मुझे नहीं पता, बट इसको बड़ा द्वारी बोलते हैं। यहाँ पे एक फुहारा है ये वाला, बट बंद पड़ा है, चल नहीं रहा है मतलब कि अभी। और मेरे सामने है मकबरा, तो मकबरा तो हम लोगों ने देख ही लिया है, तो मकबरा क्रॉस करके बाहर चलते हैं। वैसे है तो बहुत कुछ देखने लायक यहाँ पे, बट दिखने को मिलेगा नहीं क्योंकि इन लोगों ने जगह जगह तो ताले लगा रखे हैं, देखोगे कैसे। वैसे गाइज और भी बहुत कुछ है देखने लायक यहाँ पे, क्या क्या है ज़रा चल के देखते हैं।
अभी तो मैं नीला वाला तो हम घूम के आ रहा हूँ, एंड इधर साइड में ये मकबरा है जो मैंने घूम लिया है, और मेरे इधर वाली साइड में ये एक गेट है जो बंद पड़ा हुआ है, तो उधर जाके तो कोई फ़ायदा नहीं है। सामने की तरफ कुछ दिखाई दे रहा है, वहाँ चल के देखते हैं क्या क्या मिलता है देखने के लिए। मकबरे के जो सामने के चार ये पार्क हैं, छोटे छोटे गार्डन बना रखे हैं, इसके अंदर जाना भी अलाउड नहीं है, गार्ड ने मना कर दिया जाने से। निकलते हैं बाहर की तरफ, ये तो हम लोगों ने घूम लिया है। इधर गाइस म्यूज़ियम है, तो एक बार चल करके देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे ये म्यूज़ियम बना रखा है गाइस इन लोगों ने, इधर फोटोग्राफ्स कुछ लगे हुए हैं, एंड इधर भी है। तो ये तो देख लिया गाइस, अब इधर की तरफ चलते हैं, एंड इधर कुछ भी नहीं है। ये इस टाइप का है, ये खाली है। इसके सामने वाला म्यूजियम है, उसमें चल करके देखते हैं क्या क्या है। तो बाहर आ गए, एंड एक सामने की तरफ है, तो सामने वाले में चल करके देखते हैं हम लोग क्या क्या है एक बार। काफ़ी भीड़ हो रही है, काफ़ी हो रही है। ओके, तो एक ये है और ये इसका नया है। ये वाले नहीं देखे। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ मकबरे से बाहर, और मकबरे से बाहर आने के बाद अब हमें यहाँ से वॉक करके थोड़ा आगे जाना है। आगे जाने के बाद हमें कुछ और मिलेगा देखने के लिए। वैसे तो मैं वहाँ पहले भी जा सकता था, बट मैं पहले मकबरे के अंदर आ गया था तो वहाँ पे नहीं गया था, बट ठीक है कोई बात नहीं, अब जा रहा हूँ मैं और जा कर के देखता हूँ कि वो है क्या। सो गाइज़ ये है अप्सर वाला टॉम, और यहाँ पे बैक साइड में लिखा हुआ है कि कृपया जूते अपने जूते और चप्पल है जो बाहर उतारने हैं। तो इसके अंदर कब्र है जिसके अंदर हमें जूते चप्पल उतार के अंदर जाना होता है, तो मैं अंदर जा ही नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता जाना चाहिए। और मेरे अलावा यहाँ पर कोई है भी नहीं, एक इधर है और एक इस साइड में है, दो हैं यहाँ पे जिसे बोलते हैं अप्सर वाला टॉम। सो गाइज मैं बाहर जा रहा हूँ अभी, अंदर नहीं गया मैं उसके। और ये है गेटवे, अप्सर वाला गेटवे, तो इसकी हालत तो देख ही सकते हो। तो फाइनली गाइज मैं मकबरे से बाहर आ चुका हूँ, एंड बाहर आने के बाद यहाँ पे एक और है कुछ देखने लायक, यानी कि जहाँ से आप टिकट्स वगैरह लेते हैं, एंड टिकट्स लेने के बाद इधर वाली साइड में देखने के लिए मिलेगा ये। तो मैं जा रहा हूँ इसके अंदर, और अंदर जा कर के देखता हूँ कि ये क्या है। वैसे मैं सोच रहा था पहले इसके अंदर ही जाऊँ, बट मैं गया नहीं क्योंकि पहले मैंने सोचा मकबरे के अंदर जाना चाहिए, बाद में इसमें चलना चाहिए, क्योंकि जो मैन है मेन है जो, वो तो वही है। सो ये है ईशा खान गार्डन टॉम्ब, यानी कि हाँ कुंबद मकबरा। यहाँ पर लिखा हुआ है ईशा खान, ईशा तो नहीं बोल सकते इसको, ईसा बोलेंगे, एच तो है ही नहीं इसमें। तो आगे चलते हैं और आगे चल करके देखते हैं ये क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। गाइस बैक साइड में तो है ये ईशा गार्डन टॉम, बट इसके इधर वाली साइड में भी कुछ है, और यहाँ पे भी लिखा है कृपया जूते चप्पल उतार के ऊपर जाएं। अंदर चलता हूँ, अंदर चल के देखता हूँ क्या क्या है। चिल्लाने का मन कर रहा है, चिल्लाऊं क्या। ईशा खान का मकबरा, ये रहा यहाँ लिखा हुआ है, और ये है ईशा खान का मकबरा जिसे मैंने घूम लिया है। तो फाइनली मैं आ गया बाहर, इधर है ईशा खान का मकबरा, और इधर है हुमायूं का मकबरा, और इधर है एग्ज़िट। तो मैं जा रहा हूँ बाहर, और गाइज़ वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करो।